कितना है? 23.9। मेजरमेंट चल रहा है आपका स्क्वायर फीट नापने के लिए? 23.9 प्लस 9 ऐड होगा वो दीवाल, दीवाल भी ऐड होगा, ठीक है। 24.6 ठीक है। कितना है? 24.6। ओके, यहां पे टंकी भी इसी पे, ये आप इसी के सामने लिखिए जरा, क्योंकि हमारा हाथ बिजी है इस समय। आप स्लैब के आगे लिखिए 24.6 इंच, ठीक है। पिलर बना, स्लैब जाएगा ना ऊपर, स्लैब जो है उसका भी थोड़ा एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा, टैंक और इसका। पच्चीस नौ, चलिए। बाकी नीचे का हम लोगों ने ब्रिक वर्क का मेजरमेंट कर लिया है, जो एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क मैंने करवाया था, इधर आप माइनस करेंगे अभी थोड़ा सा, इतना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। चलिए बाकी चलते नीचे। आगे तक जाएंगे, चलिए अभी हम पॉज कर रहे हैं वीडियो, मेजरमेंट है, बाकी नीचे का सामान देखा जाएगा। बीच में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बजट बाहर भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग बजट के ऊपर आ गए हैं या नीचे हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट योर बजट इन बिटवीन एंड कीप अ ट्रैक ऑफ इट। कंस्ट्रक्शन ऐसा है काम के, धीरे धीरे मन करता है ये भी करा लें, वो भी करा लें, ये भी करा लें, वो भी करा लें, उसमें बजट जो है भाग जाता है। और जब काम शुरू होता है तो दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं, फिर वो कोई और आके दिमाग देने लगता है कि ऐसे नहीं करा लो, ऐसे करा लो, तो उसमें जो है बजट भाग जाता है। इन द मीनवाइल इधर इसकी सेंट्रिंग हो गई है और सरिया वाले भी बांध रहे हैं। अभी कौन गांजा पी के भाग गया? भरने वाले, बताइए, ये भी तमाशा है। अभी भरने के लिए रेडी है, भरने वाले सवेरे सवेरे फूक लिए गांजा अपना आराम से और मस्त होके फूट लिए। सब बताइए, कॉन्ट्रैक्टर करे तो क्या करे, कल खैर भर देंगे पूरा, ये टैंक का बीम तक तैयार हो जाएगा यहाँ। हाँ चलिए, ठीक ठीक ठीक। यहाँ हमारे टैंक का बीम आ जाएगा, इससे 5 फीट ऊपर करीब हमारा पानी का टैंक आ जाएगा यहाँ से। और टैंक के ऊपर जाने के लिए हम लोग लोहे की लगा देंगे सीढ़ी, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं किसी को। हाँ यही सामने से ही लगा देंगे, बस छत पे चले जाएंगे लिफ्ट का छत पे। नौ फीट 3 इंच। हाँ उधर रिस्क लेने की जरूरत नहीं, वहाँ जाने की नीचे से नाप ले, कॉलम टू कॉलम है, क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने का, संभाल के। 18.3 आया ना कॉलम टू कॉलम, अननेसेसरी ऊपर से रिस्क लेते। हाँ ठीक, लंच का समय भी हो गया होगा, मेजरमेंट भी पूरा हो गया। एक फ्लोर का ब्रिक वर्क आपने ले लिया, उसका डबल कर दिया, दोनों फ्लोर का ब्रिक वर्क हो जाएगा ऑलमोस्ट। आगे पीछे मतलब यहाँ जाली लगाना है, ये लाल वाली जो पाइप है उसको छोड़ के जाली लगाइएगा। हाँ तीनों ऊपर तक। हाँ इधर पीछे प्लास्टर वर्क हो रहा है, और आज जो है इन्होंने ये खिड़की का टपक बना दिया है, यानी कि पानी अगर आएगा तो इसे एज से लग के
और नीचे गिरेगा, कमरे के अंदर नहीं आएगा। नीचे भी जो है छज्जा खिड़की का, अब सुंदर लग रहा है प्लास्टर होके। नीचे हॉल का है, ठीक। यहाँ पर एक्चुअली जाली के ऊपर पहले प्लान था कि ये पूरा पैक कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पैक कर देंगे। तो अगर एसी का कंप्रेसर रखा जाएगा यहाँ तो उसका वेंटिलेशन मिलेगा ही नहीं, एसी इफेक्टिव होगा ही नहीं। एक्चुअली इधर तो बना दिया था नीचे इन्होंने, लेकिन अब तोड़वाने जा रहे हैं। सिर्फ एक ईंटा रख के जैसे ये है ऐसे ही छोड़ दें ताकि कंप्रेसर यहाँ रहे, इसका वेंटिलेशन के लिए काफ़ी जगह मिल जाए। अगर एसी कंप्रेसर जो है इफेक्टिव रहेगा ही नहीं ज़रा भी, यहाँ भी वैसे ही रखें, किनारे किनारे ऊपर तक जाएगा। बाद में देखेंगे लूअर वगैरह लगाना है, सामने से लूअर लगा देंगे एल्युमिनियम का, चूँकि अब बगल में है पेड़ वेड़ है तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे कुछ एक्सपेंड करने के लिए। कॉस्ट कटिंग कर लेंगे बाद में जब कुछ बनेगा, देखा जाएगा। सामने लंच में जा रहे हैं लोग, आज कॉन्ट्रैक्टर ने पूरे 25 लोगों का अटेंडेंस दिया था यहाँ पर लंच टाइम, 25 लोगों का अटेंडेंस दिया था आज यहाँ पर कि 25 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एज सुन एज आई अराइव्ड उसमें से 6 फूट लिए। बोला कि सर क्या करें भैया, सवेरे सवेरे गांजा फूंक लिए सब और गायब हो गए। ये तो डक्ट जो है ये पाइप के लिए, तो इसको तो पैक करना जस्टिफाइड है, नीचे से खुला रहेगा ऐसे, यहाँ से वहाँ पूरा पाइप्स जाएंगे ऊपर से नीचे, लेकिन बगल वाला जो डक्ट है ये, इसको भी पैक करने के लिए ईंटें आ रहे थे तो मैंने टाइम पे आके रोक दिया। पहले सोचा था कि यहाँ जाली लगा देंगे वेंटिलेशन के लिए, फिर डिसाइड किया कि कुछ नहीं लगाते हैं फिलहाल, खाली एक ईंटे की लेयर लगा देंगे नीचे। यहाँ कंप्रेसर्स आने हैं एयरकॉन के, तो वेंटिलेशन मेरा बंद हो जाएगा एकदम, तो अब ये कुछ भी नहीं रहेगा। सामने लूअर वगैरह बाद में देखेंगे लगा देंगे, फ्रंट में तो लूअर लगाना ही है, उसके लिए कॉस्ट कैलकुलेशन वगैरह चल रहा है 3-4 लोगों से, 3-4 वेंडर्स से। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ये आर्किटेक्ट साहब ने कहा है कि एल्युमिनियम वाला लगाइए, और ठीक है, चीप एंड बेस्ट है, स्टडी भी रहेगा और उसकी लाइफ भी अच्छी है। सो यहाँ पे अब चूँकि ये हार्ड हो चुका है, कल का लगा है, इसलिए तोड़कर ही निकालना पड़ेगा। यहाँ बेंड बना लेंगे उसके बाद तोड़ेंगे इसको। इधर वाला टाइम पे मैं आके रोक लिया तो इधर, ओहो अच्छा इधर भी तोड़ना है, हाँ इधर भी तोड़ना है, सिर्फ एक छोड़ के ऊपर वाले की तरह एक लगा के छोड़ देंगे, इतना बैंड इसलिए नहीं बनाया। ओके, तो आज अच्छी जनसंख्या थी यहाँ काम करने वालों की, आज मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा भराई करने वाले पीप आके फूट लिए। ये एरिया में ड्रेनेज अभी कुछ बना नहीं है, तो इसमें प्लम्बिंग वाले आते हैं तो एक कोर कटिंग करवा के पाइप लगवाता हूँ, या फिर बगल के किसी बाथरूम से कनेक्ट करवाऊँगा इस एरिया को, ओपन स्पेस है। हॉल में है, लंच टाइम में खाना पीना खा रहे हैं सब, रेस्ट चल रहा है सबका। यहाँ भी अभी सरिया वगैरह बंधेगा, अब यहाँ टॉयलेट फंक्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने यूरिन बात नहीं आए लोग, अब बदबू आ रही है, अब डांटना पड़ेगा, डपटना पड़ेगा, फिनाइल वगैरह डालना पड़ेगा, वर्कर्स का होता रहता है कम। और क्या चल रहा है, आराम इधर, अभी भी सब डिपार्टमेंट में एक साथ काम नहीं चल रहा है, लेकिन है कि चल रहा है, जो पीछे का हिस्सा है अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्लास्टर वास्टर हो गया है, बराबर हो गया है। तो यहाँ पे दोगा नहीं लगेगा, दोगा साइड में लगना है, इधर तो मेंटेनेंस वगैरह होता रहेगा, लेकिन बगल की साइड में दोगा लगना ज़रूरी था। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन अभी एकदम एक बराबर हो गया, ऊपर से नीचे तक खिड़की प्लास्टर से, प्लास्टर बॉक्स से एकदम बराबर कर दिया इन्होंने। छज्जा लग जाने की वजह से और अच्छा लग रहा है, पहले छज्जा नहीं था,
छज्जा नहीं होने से क्या था कि पानी वानी अंदर आने का डर था, तो थोड़ा सा मैंने वार्न किया और उसको लगवाया। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ भी बराबर हो ही जाएगा, गोल मटोल दिख रहा है कुछ। चलिए, बाय बाय।